कितना कठिन है प्रभु, कल पढ़ के सुनाओ। मूषक, पढ़ना तो आज ही होगा, वरना नंदी को गुस्सा आ जाएगा, फिर मत कहना। हाँ, बताता हूँ। मूषक महाराज, पिछली बार जो नंदी ने गुस्से में हमें उल्टा लटका दिया था, पूरे 2 दिन बाद हम नीचे उतर पाए। अरे शांत नंदी, शांत, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैं पढ़ता हूँ। भोलेनाथ, बचाइए हमें, हम सबको, इस सृष्टि को। सिंधु ने स्वर्ग को भी तहस नहस कर दिया है, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। क्या वो सिंधु यहाँ कैलाश पर आक्रमण करने आ रहा है? यहाँ कैलाश पर? इतना दुस्साहस सिंधु में? भोलेनाथ, और वो ये कहते हुए आ रहा है कि वो आपको भी बंदी बना देगा। क्या ऐसा कहा उसने? तो आज तक सिंधु की हवा पहुँच गई, हमसे लिए हुए वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहा है सिंधु। भोलेनाथ, अब हम क्या करें? आप चिंता ना करें, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। गणेश, लेकिन बालक गणेश ही ठीक रहेंगे इस कार्य को संपन्न करने के लिए। प्रभु, आप भी? आप माँ है, इसीलिए कह रही हैं। किंतु आप स्वयं ये जानती हैं कि बाल गणेश हम में से किसी से भी शौर्य या चतुराई में कम नहीं है। बाल गणेश, सिंधु ने घोर तपस्या के बाद मुझसे वरदान में अमृत और भोलेनाथ से सूर्य देव के दिए हुए कवच को उनका त्रिशूल, जो कि सबसे कठिन धातु से बना है, वो भेद ना सके ऐसा वरदान लिया है। सिंधु की नाभि में अमृत से भरी एक कुपी है, जिसे उसने सूर्य देव के कवच से ढका हुआ है। उस कुपी को तोड़कर ही सिंधु को मारा जा सकता है, वरना सिंधु अमर रहेगा। मैं तैयार हूँ, किंतु अभी सारे गण भी नहीं है यहाँ, इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे होगा? आप चिंता ना करें माँ, सिंधु के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, और फिर मैं उसे मिले वरदानों को भी तो जानता हूँ। मैं जीत कर ही लौटूंगा माँ। जानती हूँ, विजय भव पुत्र। अच्छी तैयारी की है। प्रभु, ये हमारी नहीं, उस राक्षस की सेना है। अरे जानता हूँ मैं मूषक, चिंता मत करो। सिंधु, दुस्साहसी, तुम भगवान विष्णु और भोलेनाथ को बंदी बनाने चले हो? ए बालक, चले जा अपने घर को। मैं भोलेनाथ और भगवान विष्णु को मारकर कैलाश पर राज करूँगा। राज परंतु एक बालक से क्या लड़ना? वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। भोलेनाथ का पुत्र। अच्छा। लेकिन बच्चे, तू मेरी इस बड़ी सेना का सामना कैसे करेगा? तुम्हारे पास तो सेना है ही नहीं। हम इतने ही काफी है तुम्हारे लिए। ये छोटा सा चूहा, ये पुतला और मोटा राक्षस, और ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी, और तुम हमें मारोगे? नंदी, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब अपना गुस्सा उतारना इन पर। सिंधु, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भोलेनाथ से माफी मांग ले और यहाँ से चला जा, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे बालक, तू तो क्या, तेरे पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
सबको मारूंगा और फिर भोलेनाथ को। काफी हूं, मिटा दूंगा सब कुछ। श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तथास्तु। जानते हो कि सूर्य देव के दिए हुए इस कवच को
शिवजी का त्रिशूल भी। अरे रुक जा, मुझे पता है, भोलेनाथ ने मुझे ये भी बताया है। मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हें। सिंधु, मुझे बाद में मारना, पहले अपने आप को तो बचा ले, क्योंकि वरदान लेते समय तुमने भोलेनाथ से ये नहीं पूछा था कि उनके त्रिशूल से भी तेज कोई ऐसा भी औजार है जो इस कवच को भेद सके। क्या? कौन सा औजार? माँ, ये कौन है? ये श्रवण है गणेश, ये दूर गांव से आया है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। तुम जल्दी से खाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। प्रभु, ये लीजिए मोदक, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। प्रभु, आप विश्राम कीजिए। प्रभु, पानी। कौन हो तुम? मैं हूँ श्रवण, बाल गणेश का सच्चा भक्त। मैं हूँ बाल गणेश का सच्चा भक्त, तुम नहीं। नहीं, मैं हूँ। सच्चा भक्त कौन है? इसका फैसला कौन करेगा? प्रभु, आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सच्चा भक्त कौन है, मैं या मूषक। मूषक, तैयार हो? प्रभु, जब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे डर किस बात का? मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी 5 विभिन्न परीक्षाएं करूँगा, जो ज्यादा जीतेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। हाँ, लेकिन परीक्षा देते समय छल कपट का प्रयोग नहीं करना है। वक्रतुंड महाकाय। हाँ? कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजा करना अनिवार्य है, और मैंने उसके बिना ही अपना अभियान शुरू कर दिया। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? हे प्रभु, हमारे सारे विघ्न दूर कीजिए। बाल गणेश की जय। सच्चा भक्त मैं ही बनकर दिखलाऊंगा मूषक, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु, मैं जीत गया। अरे मूषक, श्रवण ने कहा तुम दौड़ छोड़ के खाना खाने बैठ गए थे, देखा, हार गए ना? नहीं मूषक, अगर इस तरह चलता रहा तो तुम हार ही जाओगे, और श्रवण फिर सच्चा भक्त कहलाएगा। सोच लो। चलो, अब दूसरी परीक्षा का वक्त आ गया। ओ, ये क्या लिखा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु,
आप श्रवण को ही सच्चा भक्त बना लो, मूषक से ना हो पाएगा। हमने कितनी बार मूषक से कहा पढ़ ले, अगर मूषक ने पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मूषक, अब श्रवण ने दो दो परीक्षाएं जीत ली हैं। अब सुनो, तुम दोनों के सामने अभी जो भी आए वो खाना है, पर अपनी आंखें बंद करके। क्या? अगर तुम्हें परीक्षा नहीं देनी तो हार मान लो श्रवण। नहीं नहीं प्रभु, मैं तैयार हूँ। मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा प्रभु। अगम बगम, बांध दो इनकी आंखों पर पट्टी। अरे क्या हुआ, तुम दोनों थक गए? नहीं नहीं, भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, बस ये आखिरी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे देखना होगा कहीं सिर्फ मुझे ही तो तीखी मिर्ची नहीं खिलाई। वाह मूषक, इस बार तो तुम जीत गए। क्या आश्रम पे आक्रमण? नंदी ब्रिंगी चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ और आपकी रक्षा करूंगा इन दैत्यों से। मूषक श्रवण, लगता है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का वक्त आ गया है, जो इसमें उत्तीर्ण होगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मुनिवर आप अंदर जाइए, इसे हम संभाल लेंगे। प्रभु मैं अकेला ही काफी हूँ इसके लिए, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। नहीं प्रभु, इसे तो मैं ही मारूंगा। बाल गणेश, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अगर लगता है कि मुझे आसानी से मार दोगे तो ये असंभव है, असंभव। काश तुम मुझे मार पाते, काश। क्या हुआ? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। रुको, मत मारो मुझे, रुको रुको। जरा तुम इनसे तो लड़के दिखाओ। तैयार हो? तैयार है।
कहाँ जा रहे हो? बाल गणेश मुझे माफ कर दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अपनी जान बचाओ। लगी तो नहीं तुम्हें? प्रभु, आपके होते हुए मुझ जैसे सच्चे भक्त को किस बात का डर? अरे तो फिर यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? माँ के हाथ के लड्डू नहीं खाने? चलो। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको धोखा दिया और मैं प्रभु भक्ति में भी मूषक राज से कम ही साबित हुआ। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ श्रवण। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास रखे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, और इसीलिए मूषक तुम जीत गए। श्रवण मेरे मित्र, हाँ? तुमने सच्चा भक्त बनने के लिए गलत तरीके अपनाए, लेकिन तुम्हारा प्रभु भक्ति के लिए प्यार सही था। और जिसके दिल में बाल गणेश जी के लिए प्यार हो वो मेरा मित्र होता है। आओ मित्र, गले मिलो। इस प्रकार मेरी नींद भंग करने का मतलब? मेरा नाम मधु और इसका नाम कैताब है जगन्नाथ, और हम दोनों आपके शरीर की मैल से उत्पन्न हुए हैं। तो क्या चाहते हो? तुम्हारा राज्य। हम में अब तुम्हारी सारी शक्तियां हैं विष्णु, अब ये राज्य हमारा हुआ। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से लिखी है। विष्णु, मृत्यु हमारी नहीं, तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से होगी। दुष्ट पापियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। बस बहुत हुआ दुष्टों। से कुछ मजेदार, खास और मस्ती भरा काम नहीं किया है, इसलिए कुछ मजा नहीं आ रहा है। अगम, तुम इतने कम शब्दों में इतना कैसे बोल लेते हो? ये मेरे लिए आज भी आश्चर्य की बात है। नहीं आया। कुछ मत कहो अगम, कुछ मत कहो। तुम्हारी बातों का मतलब समझते समझते मैं थक गया हूँ। गणेश!
परेशान करके ही मारेंगे। अगम, लगता है तुम्हें मजे करने का कारण मिल गया। सब लोग यहाँ आओ। साफ साफ बोलो, ये आप क्या कर रहे हो? ए, इसे बोलो यहाँ से चला जाए, मुझे 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 गुस्सा आ रहा है। ए, ये अब मेरा मतलब है, मैं क्या बोल रहे थे? अरे अगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन हो? हम लोग जो भी हैं, क्या तुम ये आपको जानते हो? हाँ, ये अगम है, मेरा मित्र। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? इस यायायो ने हमारा सर खा लिया है। फिर बोला, चुप रह तू। अरे, बग्गम भी नहीं है, अब कैसे पता चलेगा इसने क्या बोला? कौन बग्गम? बग्गम जो इसकी भाषा समझता है। अरे अरे, रुको अगम, बग्गम को आने दो, फिर बोलो। नहीं, तो चुप। अरे, क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम? अब तुम कौन हो? मैं बग्गम हूँ और मैं वो खाना लेने गया था, बहुत भूख लगी थी हमें। चलो अगम, रिंगी, खाना खाते हैं। अरे, तुम लोग भी आ जाओ और खाना खा लो, भूखे पेट मरना अच्छी बात नहीं है ना? चलो खाना खाते। क्या, चलो चुपचाप यहीं खड़े रहो, हमें विष्णु को मारना है और तुम लोग हमें परेशान करना छोड़ दो। हमें परेशान मत करो, हमें नहीं खाना कुछ भी, हमें विष्णु को मारना है और फिर हमें मरना है। रुको रुको रुको, क्या कहा तुमने? हमें मरना है, मरना है हमें। कौन मारेगा हमें? तुम कुछ नहीं बोलोगे। अरे, ये तो कब से कह रहा है, तुम्हें मरना है, बाल गणेश तुम्हें मारेंगे, और तुम हो के इतनी सी बात समझते ही नहीं। बेचारा कब से गला फाड़ फाड़ के कह रहा है। क्या कह रहे हो? कौन मारेगा मुझे? कौन? हमें कोई नहीं मारेगा। ये अगर और बोलेगा ना तो हम जरूर मर जाएंगे। कोई नहीं मार सकता हमें। देखो, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब कोई भी एक और शब्द बोलेगा तो विष्णु से पहले मैं उसे मारूंगा। तुझे बोलना जरूरी था। ए बग्गम, क्या बोला ये? ये बोला, वो देखो, नंदी और मूषक आ रहे हैं। आओ नंदी, आओ मूषक, खाना खाओ, फिर बाल गणेश को इन्हें मारना भी है, उसके बाद बहुत काम करना है। कौन है ये लोग? अरे हाँ, वो तो मैं पूछना भूल ही गया, कौन हो तुम बता दो? हम विष्णु की मेल से उत्पन्न लोग। बताता हूँ, रो मत। ये बोला, मैल से उत्पन्न हुए हो तुम। छी, कितने मैले हो। मतलब तुम लोग हमें परेशान करके ही छोड़ोगे? देखो, हमें विष्णु को मारने दो, हम उसके बाद चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। विष्णु जी को तुम मार नहीं सकते, इसने कहा ना, भूल गए? बाल गणेश उसके पहले ही तुम्हें मार देंगे। या, 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 या।
और बोला, रुक क्यों गया, बोलना। अरे अब तो हमारी भी इच्छा है कि सच में हमें बाल गणेश मार ही दे। कम से कम इसकी तो नहीं सुननी पड़ेगी। क्या क्या हुआ? ये बोला ऊपर देखो। मेरे भक्त जब भी मुझसे दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुम दोनों ने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। कोई नहीं मार सकता।